जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, ये मेरे कई छोटे भाइयों का ये सवाल था कि सर CRPF की जॉब कैसी है, या आपको CRPF में आके कैसा लग रहा है, या मतलब आपका ट्रेनिंग का जो एक्सपीरियंस है वो कैसा रहा था, आपकी ट्रेनिंग कैसे हुई थी या कहाँ पर हुई थी, और कैसी आपकी ट्रेनिंग रही थी, और CRPF की ट्रेनिंग कितनी हार्ड होती है और क्या क्या होता है। क्योंकि कई अफवाहें चलती है मार्क, जो लोगों ने जिन्होंने ट्रेनिंग नहीं की है वो भी वीडियो बना के मैंने देखा यूट्यूब पर ऐसे डालते रहते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, पहला जो क्वेश्चन था कि आपको CRPF में आके कैसा लगा, तो दोस्तों बता दूं कि अच्छा लग रहा है, और अच्छा इसलिए लग रहा है कि मेरा घर चल रहा है। अगर मेरा घर चल रहा है मेरी जॉब की वजह से तो अच्छा है, और CRPF में आके अच्छा लग रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि आपको कहीं ना कहीं काम तो करना ही पड़ेगा, घर पर बैठ के तो आपको कोई पैसा देगा नहीं दोस्तों, तो आपको काम तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा दोस्तों। और जब अगर आप काम करोगे, पैसे मिलेंगे और आपका घर चल रहा है, तो इससे ज़्यादा क्या अच्छा लगेगा। तो इसके अलावा जो ट्रेनिंग का पूछ रहे थे मेरे भाई, जो कि आपको सर ट्रेनिंग कैसी लगी, तो ट्रेनिंग का ऐसा है, जब शुरुआत में जब ट्रेनिंग में गया था, तो इससे पहले मैंने कभी रनिंग वनिंग नहीं की थी, केवल SSC फिजिकल के टाइम ही की थी। बाकी मेरे शरीर इतना मतलब मजबूत नहीं था ट्रेनिंग के टाइम। तो ट्रेनिंग में जाके जो सबसे हार्ड लगा मेरे को वो रनिंग थी। उसके अलावा दूसरा जो सबसे हार्ड लगा था वो सुबह उठना था, क्योंकि सुबह ट्रेनिंग में आपको पता है कम सोने को मिलता है, लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, धीरे धीरे आपकी आदत हो जाएगी। शुरुआत में आपको लगेगा ऐसा 2-4 वीक कि आपको बहुत जल्दी उठा रहे हैं, फिर आपको रूटीन में आपकी खट से 4 बजे आँख खुल जाएगी। रात को 10 बजे सोना और 4 बजे आँख खुल जाएगी दोस्तों। तो ट्रेनिंग शेड्यूल में जो सबसे ख़राब लगता था वो संडे का वेट इसीलिए करते थे क्योंकि संडे को सोने को मिल जाता था। और तो ट्रेनिंग और मेरी जहाँ पर ट्रेनिंग हुई वहाँ पर काफ़ी ठंड थी, तो मेरा ट्रेनिंग टाइम अच्छा रहा। हाँ, थोड़ा सा ट्रेनिंग में कोई एक बंदा तो करता नहीं है, 400-500 हज़ार लोग एक साथ करते हैं, तो इतना दुख नहीं होता है, वहाँ पर दिल लगा रहता है। बहुत मैंने रिवॉर्ड जीते हैं ट्रेनिंग में भी, आपको उसकी भी बताऊँगा। बहुत मतलब मज़ा आता है, बहुत कल्चर प्रोग्राम भी बहुत होते हैं, गेम भी बहुत होता है, क्रिकेट सब गेम होते हैं, वॉलीबॉल फुटबॉल खेलने का भी बहुत मौका मिलता है ट्रेनिंग में। ऐसे भी ये देखो ऑप्टिकल भी होते हैं, आपने नहीं देखे होंगे, आज आपको दिखा देता हूँ। एक कंट्रोल होता है कि आपका कितना कंट्रोल है वो चेक होता है इस पर, ये तो वहाँ पर गेम खेलने का भी बहुत मौका मिलता है, कल्चर प्रोग्राम भी होते रहते हैं, तो ट्रेनिंग टाइम बहुत अच्छा होता है, ज़्यादा आपको दुख नहीं होगा। ये जितना आप सोच रहे हो उतना तकलीफ़ नहीं देगा ट्रेनिंग, थोड़ा फिजिकल फिट हो जाओगे तो कुछ नहीं बिगड़ा। ये देखो ये रस्से वस्से ऑप्टिकल सिंगल रस्से हैं, इन पर भी चलना रहता है, मतलब सरक सरक के ऐसे जादूगर नहीं बनना होता है। तो ट्रेनिंग टाइम आपका अच्छा जाएगा दोस्तों, ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है आपको ट्रेनिंग सोच के, क्योंकि ट्रेनिंग में आपको फिजिकल थोड़ा सा मजबूत करेंगे, और उसके अलावा आपका अच्छा बहुत अच्छा टाइम जाएगा, क्योंकि बहुत सारी एक्टिविटी होती है ट्रेनिंग में, जैसे कल्चर प्रोग्राम हो गए और भी बहुत सारे प्रोग्राम होते रहते हैं, क्रिकेट का मैच होते हैं, वॉलीबॉल के मैच होते हैं, कबड्डी के मैच होते हैं, सभी मतलब मैच होते हैं, सभी चीज़ का आपको मौका मिलेगा वहाँ पर, बोलने का भी, कल्चर प्रोग्राम में डांस करने का भी। ये देखो ये ऑप्टिकल्स है, कैटवॉक बोलते हैं इसको, ये ऐसे हिलता रहता है, इसके ऊपर जैसे चलने का आपको मौका मिलेगा, ऐसे मौके कहाँ देखोगे आप। तो आपको ट्रेनिंग करके ज़्यादा घबराना नहीं है दोस्तों, अच्छा होता है ट्रेनिंग भी। और भी कई ऑप्टिकल्स है, ये किसी दिन मेरे को अगर टाइम मिलेगा तो मैं आपको ये सब ऑप्टिकल्स करके भी दिखाऊँगा, किसी दिन क्या ज़रूर करके दिखाऊँगा। ये देखो ये गड्ढा, इसमें कूदते हैं दूसरी साइड से, जम करके वापस चढ़ जाते हैं। तो दोस्तों ज़रूर मेरे को टाइम मिलेगा, मैं करके बताऊंगा आपको, कुछ दिनों में रस्से वैसे भी चढ़ के बताऊंगा आपको। आने वाले जो मेरे वीडियो होंगे वो फिजिकल के ऊपर होंगे, अभी खुद मैं 8-9 महीने बाद फिजिकल एक्सरसाइज कर शुरू किया हूँ, तो थोड़ा टाइम लगेगा, बाकी 10-15 दिन के अंदर शुरू हो जाएंगे। ये देखो कंट्रोल के लिए होता है। तो दोस्तों घबराना नहीं है, ट्रेनिंग करके अच्छी जाएगी आपकी ट्रेनिंग, नो टेंशन रहो, कुछ नहीं होता ट्रेनिंग में, बस आपको ज़्यादा से ज़्यादा अगर प्रॉब्लम होगी तो 2 वीक, उसके बाद आप मास्टर बन जाओगे ट्रेनिंग के, मज़े से निकलेगी ट्रेनिंग, मज़ा आएगा पूरा, याद करोगे मेरे को कि वो बोल रहे थे कि मज़ा आएगा सर, 100% मज़ा आएगा ट्रेनिंग में। ट्रेनिंग के बाद में जिम्मेदारियाँ बढ़ती है, बाद में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, ट्रेनिंग में मज़ा आता है क्योंकि जिम्मेदारी नहीं रहती कुछ भी, ट्रेनिंग में सब गलतियाँ माफ़ होती हैं। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।